अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजीज के कोर्स में वीक 5 में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम अफरा सियाब है और इस वीक में हमने हिट फिल्म एक्सप्रेस के बारे में देखना है कि ये क्या टूल है और इसका क्या काम है। इस वीक के जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो हैं कि हमने हिट फिल्म एक्सप्रेस के बारे में इंट्रोडक्शन करना है, फिर हम इसको प्रैक्टिकली फॉर्म में देखेंगे कि किस तरीके से हिट फिल्म एक्सप्रेस में आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट के अंदर हम करेंगे कि डिफरेंट ऑडियो वीडियो और इमेजेस को यूज़ करके एडिटिंग, डिलीटिंग और इंपोर्ट ऑडियो और वीडियो का कॉन्सेप्ट देखेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने वीडियोज़ के बारे में देखा था कि वीडियोज़ क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, उनके स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, उनके क्या टूल्स होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं। और उसी की एक अगली चेन जो है वो हिट फिल्म एक्सप्रेस के तौर पे है। आपके पास बहुत सारे टूल अवेलेबल हैं जो कि वीडियो एडिटिंग के लिए और ऑडियो एडिटिंग के लिए कंबाइंड फॉर्म में यूज़ होते हैं। उनमें से एक हिट फिल्म एक्सप्रेस है। हिट फिल्म एक्सप्रेस जो है वो FX Home फ्री वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। FX Home जो है ये इनकी कंपनी है और ये जो हिट फिल्म एक्सप्रेस है इसका फ्री सॉफ्टवेयर है। डियर स्टूडेंट, जब आप इसकी वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको हिट फिल्म एक्सप्रेस के अलावा हिट फिल्म प्रो भी मिलता है। हिट फिल्म प्रो जो है वो आप परचेस करते हैं, आप उसको पे करते हैं, लेकिन इसमें जो हिट फिल्म एक्सप्रेस है ये फ्री वर्जन है। इसके अंदर बेसिक तमाम फीचर अवेलेबल हैं जो कि आपको वीडियो एडिटिंग करने के लिए इस्तेमाल करने हो सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके लिए आप जो है पहले अपना एक अकाउंट बना लेते हैं उनकी वेबसाइट पे जाके, वो बिल्कुल फ्री बनता है, उस पर कोई चार्जेस नहीं होते और बिल्कुल सिंपल से फॉर्म में आपका कुछ एंट्रीज के साथ ही आपका अकाउंट बन जाता है। और उसके बाद आप जो है वो हिट फिल्म एक्सप्रेस को डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। हिट फिल्म एक्सप्रेस जो है इसका जो एक मेजर फ़ायदा है वो ये कि ये ना सिर्फ वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ होता है बल्कि वीडियोग्राफिक्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, जिसमें वीडियो के डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं जो कि आप लेटेस्ट मूवीज़ वगैरह के अंदर और हाईली प्रोडक्टिव और रिच इफेक्ट्स के साथ वीडियोस के ऊपर देखते हैं, तो ये सारे काम आप इसमें कर सकते हैं। हिट फिल्म का जो बेसिक वर्क फ्लो है वो हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या आपके स्टेप्स होते हैं। आप इसमें सबसे पहले तो अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं। प्रोजेक्ट बनाने के बाद आप उसके अंदर अपने जो रिसोर्सेज हैं जिनको आपने अपने प्रोजेक्ट का पार्ट बनाना है उनको आप इंपोर्ट कर लेते हैं, और इंपोर्ट करने के बाद आप उसको जिस तरह की आपने स्टोरी बोर्ड बनाई है उस स्टोरी बोर्ड के मुताबिक आप उसको एडिट करते हैं, उसको मीडिया टाइमलाइन के ऊपर उसको एडजस्ट करते हैं। जब आपकी एडिटिंग मुकम्मल हो जाती है तो फिर आप इसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो जनरली आपकी जो वीडियो एडिटिंग और वीडियो डेवलपमेंट का काम होगा उसके अंदर आपके ये चार स्टेप्स होंगे। अब हम थोड़ी सी देखते हैं कि हिट फिल्म के इंटरफेसेस कौन कौन से हैं। तो इसमें जनरली आपके पास तीन स्क्रीन्स होती हैं। सबसे पहले जो आपके पास स्क्रीन है वो होम स्क्रीन है। होम स्क्रीन आपकी वो स्क्रीन है जिसपे जैसे आपकी एप्लीकेशन रन होती है तो फ्रंट आपको जो स्क्रीन नज़र आती है वो होम स्क्रीन है, जो कि आपको यहाँ पे होम स्क्रीन नज़र आ रही है। इसके बाद है एडिट स्क्रीन। एडिट स्क्रीन जो है वो इंटरफेस है जिसमें आप अपने प्रोडक्ट पर और अपनी वीडियोस, अपनी ऑडियोज, अपनी इमेजेस को प्लेस करते हैं। उसके अंदर आपके पास एडिटिंग की सारे सीक्वेंसेस वगैरह होते हैं। तो सेकंड स्क्रीन जिससे आपका वास्ता पड़ेगा वो एडिट स्क्रीन है। जब आप एडिटिंग वाला काम कर लेते हैं तो फिर आपको एक और स्क्रीन से वास्ता पड़ता है, वो है एक्सपोर्ट स्क्रीन। तो एक्सपोर्ट स्क्रीन के अंदर आप जो है वो एक्सपोर्ट करने वाला काम करते हैं कि क्या चीज़ एक्सपोर्ट करनी है, कैसे एक्सपोर्ट करनी है और उस एक्सपोर्ट करते हुए किन फीचर्स का अपना ख्याल करना है। तो उसके लिए आपको एक्सपोर्ट स्क्रीन अवेलेबल होती है, आप उसे जाके
उस पे जाके आप एक्सपोर्ट करते हैं। अब आप जब एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त आपको किस तरह के इंटरफेसेस मिलते हैं और उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जब भी आप एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो आपका ये वाला इंटरफेस जो है वो विजिबल होता है। इसमें अगर आप देखिए तो यहाँ पे दो टैब हैं, एक एडिटर टैब है और एक अकबर रेंडरिंग टैब है। एडिटर टैब के अंदर आपके पास जो है ये टेम्पलेट, ड्यूरेशन, वीडियो, वेट, हाइट, फ्रेम और एस्पेक्ट रेशियो, इसके अलावा ऑडियो के अंदर सैम्पल रेट वगैरह दिए हुए हैं। तो विड्थ आपके पास होती है कि आपकी जो वीडियो है उसकी विड्थ में नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने होंगे, और हाइट होती है कि आपके पास उस वीडियो की जो आप वीडियो की प्रोडक्ट बनाएंगे उसके नंबर ऑफ पिक्सल इन हाइट जो है वो कितने होंगे। इसके अलावा फ्रेम रेट होता है कि एक सेकंड में कितने फ्रेम के बेसिस पे आपकी वीडियो बनेगी। और इसके बाद एस्पेक्ट रेशियो है, एस्पेक्ट रेशियो होती है कि आपकी जो विड्थ और हाइट है उसके दरमियान में क्या रेशियो है। तो जनरली जो आपकी एस्पेक्ट रेशियो है वो स्क्वायर पिक्सल 1 रखी जाती है। तो उसका मतलब ये है कि आपकी अगर हॉरिजॉन्टली आपकी साइड है वो ज़्यादा भी है और वर्टिकली आपकी साइड कम भी है तो एस्पेक्ट रेशियो स्क्वायर पिक्सल्स 1 के अंदर किया कुछ ऐसे जाता है कि आपकी जो हॉरिजॉन्टल पिक्सल होते हैं उनको कंप्रेस करके स्मॉलर फॉर्म में ले आ जाते हैं और आपके पास जो ओवरऑल वीडियो की मेमोरी स्टोर होती है, स्टोरेज होती है, वो आपके पास स्क्वायर पिक्सल की फॉर्म में होती है। आपका डेटा जो है वो स्क्वायर पिक्सल की फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है, लेकिन जब आप इसको रेंडर करते हैं या इसको प्ले करते हैं तो प्ले करते हुए रन टाइम पे वही आपका डीकम्प्रेस होकर आपको वाइट स्क्रीन के फॉर्म में नज़र आना शुरू होता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि किस किस्म के प्रोजेक्ट जो है वो उसमें सपोर्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट की जो डिपेंडेंसी है ये आपकी रेजोल्यूशन बेस्ड है कि आप रेजोल्यूशन कितनी रखना चाहते हैं। तो आपकी जो प्रोजेक्ट की रेजोल्यूशन है वो डिपेंडेंट है कि आपका सिस्टम जो है उसको कितना सपोर्ट करता है। अगर आपकी पास जो रैम है वो 1 GB से कम है, ये वीडियो रैम है यानी कि इसमें ग्राफिक कार्ड के अंदर की जो रैम होती है वो भी शामिल होती है। अगर बल्कि आप ये कह लेंगे स्पेसिफिकली आप ग्राफिक कार्ड की जो मेमोरी है आप उसकी बात करें तो अगर वो 1 GB से कम है तो उस सूरत में ये 1920x1080 यानी कि फुल HD सपोर्ट जो प्रोवाइड करता है। अगर आपके पास 1 GB से ज़्यादा की मेमोरी है अप टू 4 GB तो ये 4K मेमोरी तक जो है वो सपोर्ट करता है। और अगर ये 4 GB या उससे भी ज़्यादा है तो फिर आपको जो है वो ये बहुत ही हाई रेजोल्यूशन की वीडियो भी बनाने में हेल्प करता है। ऑडियो में हम सैंपल रेट सेट करते हैं, तो सैंपल रेट आप डिपेंडेंट होते हैं कि आपकी जो ऑडियो आपने प्लेस करनी है उसका अपना सैंपल रेट क्या है, उस पर किस तरह से रिकॉर्ड हुआ है, उसके मुताबिक आप जो है वो सैंपल रेट को सेट कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट है वो 48,000 होता है और नॉर्मली जो डिफरेंट आपके टूल हैं जो ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए होते हैं वो 4/100 के ऊपर सैंपल रेट के ऊपर रिकॉर्डिंग करते हैं। तो आप यहाँ पर इसके सैंपल रेट को चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम रेंडरिंग में आते हैं, जो हमारे पास रेंडरिंग का टैब है। तो रेंडरिंग के टैब के अंदर आपके पास डिफरेंट फंक्शनलिटीज़ हैं। जनरली हम इन फंक्शनलिटीज़ को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपके पास है कलर बिट डेप्थ। कलर बिट डेप्थ ये होती है कि आप एक पिक्सल के ऊपर कितने बिट्स से कलर रिप्रेजेंट करते हैं। जितने ज़्यादा आपके पास इसमें बिट्स होंगे उतनी ज़्यादा हाई ग्राफिक्स की आपकी वीडियो होगी। और इसका ड्रॉबैक ये होगा कि आपकी रेंडरिंग बहुत स्लो हो जाएगी और आपकी जो वीडियो है वो उसके साइज भी ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद है एंटी अलियासिंग मोड जो है वो आपकी इन वीडियो के अंदर मौजूद जो एजेस होते हैं जो कि दो शेप्स के दरमियान डिफरेंस क्रिएट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक माउंटेन है उसके साथ ट्री है तो ट्री की अपनी एक बाउंड्री होगी और माउंटेन की अपनी बाउंड्री होगी। तो एंटी अलियासिंग जो है वो करता है कि जो बाउंड्री है इसको स्मूथ करवाता है। तो इस एंटी अलियासिंग की जो है वो डिफरेंट एल्गोरिदम अवेलेबल हैं, तो आप उसमें से किसी एल्गोरिदम को यूज़ करके अपनी ख़ास किस्म की एंटी अलियासिंग करके अपनी बॉर्डर्स को स्मूथ कर सकते हैं।
फिर है रिफ्लेक्शन मैप साइज। ये रिफ्लेक्शन मैप साइज जो है ये आपकी 3D मॉडल के ऊपर काम करने के लिए यूज होती है। अगर आप 3D मॉडल की रिफ्लेक्शन वाला काम जो है वो करना चाहते हैं तो उस सूरत में आप रिफ्लेक्शन मैप साइज के बारे में सेटिंग वगैरह करते हैं। और इसी तरीके से शेडो मैप साइज है जिसमें आप जो है वो अपनी बफर डिफाइन करते हैं जो कि आपकी 3D मॉडल के शेडो वगैरह क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होगी। तो आप जितने ज़्यादा साइज का प्लेस करेंगे उसके लिहाज से आपके शेडो की परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा बेहतर होगी। इसमें परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि आपके आउटपुट जो है वो बेहतर होगी, लेकिन परफॉर्मेंस अगर इन द सेंस ऑफ प्रोसेसिंग देखें तो वो कम हो जाएगी क्योंकि उसके ऊपर आपको प्रोसेसर का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ेगा। फिर इसके बाद है आपके पास मैक्सिमम 3D मॉडल मैप साइज। तो ये आपके पास है कि आप जो 3D मॉडल बना रहे हैं उस पर कितना मेमोरी जो है वो उसको दी जाए ताकि वो उसकी जो टेक्सचर्स हैं वो प्रॉपरली उसके विजिबल हो सकें और प्रॉपरली उसके नज़र आ सकें। डियर स्टूडेंट, हमने अभी बेसिक फॉर्म में उसका बेसिक इंटरफेस देखा है जो हमारे पास उसकी एप्लीकेशन को स्टार्ट करते ही नज़र आता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो क्लिप के अंदर इसके पैनल्स के बारे में देखेंगे, इसमें कौन कौन से पैनल्स हैं और वो क्या काम करते हैं।